हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरर और आज हम बात करने वाले हैं लेटरल कॉलेज एंट्री, गवर्नमेंट लेटरल कॉलेज के बारे में कि आपको लेटरल एंट्री कैसे मिल सकती है गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने के पहले मैंने इसके पहले लीड का वीडियो बनाया था, तो आप लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि लेटरल कॉलेज के लिए जो भी लेटरल कॉलेज है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, गवर्नमेंट लेटरल कॉलेज के ऊपर। ठीक है, तो इसके इसलिए वीडियोज ला रहा हूँ और वीडियोस ऐसे आएगा कि हर स्टेट के बारे, हर स्टेट से मैं सबका लेटरल बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज का मैं वीडियो बना रहा हूँ हर एक स्टेट का। तो आज मैं यूपी का बना रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का, कि वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है और वहाँ पे आप डिप्लोमा के बाद लेटर एंट्री कैसे ले सकते हो और एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन सा है। पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो लीड का एग्ज़ाम मैंने आपको बताया था लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो वो एग्ज़ाम मैंने बोला था कि ऑल ओवर इंडिया होता है, सबका अलग अलग रहता है। ये ध्यान देना कि सबका अलग अलग रहता है, हर स्टेट का रहता है लेकिन सबका अलग अलग रहता है। जैसे हरियाणा का लीट हो गया और अपना इसका उत्तर प्रदेश का आपका UPSEE, ठीक है, UPSEE, ये ऐसे करके एग्ज़ाम होता है। तो ये आपका एग्ज़ाम होता है लेटरल एंट्री के लिए बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, बीटेक के लिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस है। इस वीडियो में सिर्फ मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मतलब अगर आप क्या आप यूपी में नहीं हो, आप मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, आप हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपके कलीग्स में कोई यूपी का है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, उनको भी पता चलना चाहिए कि वहाँ पे कौन से कॉलेज हैं। इवन ये वीडियो डिप्लोमा के लिए भी है और 11 12th के बाद जो इंजीनियरिंग के लिए जाने वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी है। तो ये वीडियो को पूरा देखना, यूपी के सब गवर्नमेंट कॉलेज को मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका कॉलेज है यहाँ पे यूपी का, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और ये आपका आया झांसी में। कहाँ पर आया? झांसी में। तो ये पहला कॉलेज हो गया। और दूसरे कॉलेज की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, ये आपका भदोही में आया। कहाँ पे आया? भदोही में, ठीक है। और तीसरा कॉलेज है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका लखनऊ में आया, ठीक है। तो मैं सिर्फ कॉलेज का नाम बता रहा हूँ फटाफट, वीडियो को लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो आपका चौथा कॉलेज है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका आया सुल्तानपुर में, ठीक है। अगर आप सुल्तानपुर में हो तो यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। और इसके बाद आपका आया उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट, ये आपका आया कानपुर में, ठीक है। ये कहाँ पे? कानपुर में। अगर आप कानपुर में हो तो कानपुर में यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद कॉलेज है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपका आया अम्बेडकर नगर। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का काफ़ी ब्रांच है, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज हर जगह पे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफ़ी ब्रांच है। तो मैं आपको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ कहाँ पे आता है मैं उसको बता देता हूँ। पहले आपका आता है अम्बेडकर नगर में और दूसरा आता है आपका आजमगढ़ में, ठीक है। दूसरा आपका आता है आजमगढ़ में और तीसरा आएगा आपका बंदा में, ठीक है, बंदा। और उसके बाद आपका आएगा बिजनौर, उसके बाद आपका आएगा कन्नौज में और मैनपुरी और सोनभद्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपका आता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ पे आता है, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए वीडियो को फिर से देख लेना कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने कहाँ कहाँ पे नाम लिया है वहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, किसके लिए? ये हैंडीकैप के लिए, अगर कोई हैंडीकैप है वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो ये डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये आपका आया कानपुर में। कहाँ पे आया? कानपुर में। तो ये सब आपके लेटरल कॉलेजेस है, ठीक है, तो जो आपके उत्तर प्रदेश यूपी में आते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीटेक के लिए वो मैंने सब कवर कर दिया इस वीडियो में। अगर आप 11 12th के बच्चे हैं तो आप वहाँ से आप भी कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और लेटरल एंट्री देख रहे हैं तो आपको UPSEE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसके लिए, तो आपको बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा जो जो मैंने कवर किया है, ठीक है। तो ये सब अच्छे कॉलेजेस है, टॉप कॉलेजेस है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को हर दोस्त
मतलब सबके साथ शेयर करना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मतलब हर जगह पे शेयर कर डालो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी करो लेकिन सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।